आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष प्राचार्य प्रभु जी देशपांडे, वैसे तो मंच पर सारे ही प्राचार्य बैठे हैं, एक आमदार और 5 प्राचार्य, ऐसा ये मंच है। ऐसा अत्यंत सुशोभित मंच यहाँ उपस्थित, सामने भी उतने ही विद्वान ऐसे साथी श्रोता के रूप में यहाँ पर है। भारतीय शिक्षण मंडल के विभिन्न पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय मातृशक्ति और बंधु, यह अत्यंत सुखद संयोग है कि विद्यापीठ शिक्षण मंच, जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अंग है, वह कर्तव्य बोध पखवाड़े का आयोजन कर रहा है। मैंने इसलिए कहा कि यह सुखद संयोग है कि मूल रूप से शिक्षकों के अधिकारों के लिए काम करने वाला संगठन, शिक्षकों के हितों के लिए काम करने वाला संगठन, और जिस प्रकार का इस संगठन का स्वभाव है, वह स्वभाव अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने वाला आंदोलनात्मक संगठन, ऐसा संगठन कर्तव्य की बात करे और वह भी वैचारिक दृष्टि से बात करे, ये अपने आप में अत्यंत अभिनंदन का और अत्यंत स्पृहणीय विषय है और सबके लिए अनुकरण करने योग्य विषय है। इसलिए जो एक जिस मंशा को लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ काम करता है, सारे शैक्षिक जगत में एक अपनी अलग पहचान बनाता है, तो वह पहचान इसी कारण से है क्योंकि वह केवल शिक्षकों के हितों की बात नहीं करता, राष्ट्रहित की बात करता है। और राष्ट्रहित की बात यदि करनी है तो केवल अधिकारों की बात करके चलेगा नहीं, कर्तव्य की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण कर्तव्य से होता है। अधिकारों से तो लड़ाई होती है, अधिकार तो विखंडन करते हैं, जोड़ने का काम कर्तव्य करते हैं, तोड़ने का काम अधिकार करते हैं। परिवार जुड़ता है क्योंकि परिवार कर्तव्यों पर बंधा हुआ होता है, परिवार का आधार कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति करता है, इसलिए परिवार बना रहता है। जिस दिन परिवार के अंदर भी और अधिकारों की बात शुरू हो जाती है, उस दिन परिवार का विखंडन प्रारंभ हो जाता है। विभक्त परिवार से संयुक्त परिवार से विभक्त परिवार की ओर हमारी जो संस्कृति की दिशा बनी, उस दिशा का कारण ही यह रहा कि प्रत्येक ने अपने कर्तव्य का पालन करना और उसका विचार करना छोड़ दिया, और मुझे क्या मिलेगा इस बात का विचार जब व्यक्ति करने लगा, तब वह बात तोड़ने की ओर जाती है। जब जब मुझे करना क्या है उसकी जगह मुझे पाना क्या है इसका विचार व्यक्ति करेगा, तब व्यक्ति टूटेगा। व्यक्ति टूटेगा और व्यक्ति टूटेगा तो संबंध टूटेंगे, और संबंध टूटेंगे तो समाज टूटेगा, और समाज टूटेगा तो राष्ट्र टूटेगा। आज हम सारे देश में जितनी भी समस्याओं को देखते हैं, उन सारी समस्याओं के मूल में यदि कोई बात होगी तो वह बात यह है कि हमने हमारे स्वतंत्र होने के बाद, देश के स्वतंत्र होने के बाद, कर्तव्यों से अधिक महत्व अधिकारों को देना प्रारंभ कर दिया। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार बताए गए और मूलभूत कर्तव्य भी बताए गए। मूलभूत अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं, मूलभूत अधिकारों की यदि पालना नहीं हो तो आप न्यायालय में जाकर के न्याय की गुहार कर सकते हैं, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने, और बड़ा मैं विधि का विद्यार्थी होने के नाते मैंने उस समय संविधान की जो सारी परिचर्चाएं हुई, सारे जो वाद विवाद हुए, जो डिबेट्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा की उन चर्चाओं के, वो पूरे 12 खंड मैंने पढ़े। कोर्स में नहीं थे, पाठ्यक्रम में नहीं थे, फिर भी मैंने पढ़े क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब पढ़ता गया तो मैंने कहा संविधान कर्ताओं की मंशा तो पता चले कि किस बात को लेकर के ये संविधान बना, इस राष्ट्र को हम कैसे बनाना चाहते हैं। हम भारतवासी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को संविधान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा कहने वाला जो संविधान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने वाला जो संविधान है, वह भारत के संविधान के निर्माता, वह संविधान सभा चाहती क्या है, इसको देखने के लिए जब मैंने उसको पढ़ा तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि संविधान सभा में अनेक लोगों के आग्रह के होने के बावजूद भी जो मूलभूत मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य संविधान हमको बताता है, लेकिन वो 11 मौलिक कर्तव्य एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, वह विधि के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं किया गया। इसलिए कर्तव्य का पालन कोई नहीं करेगा तो उसको आप सजा नहीं कर सकते। कर्तव्य यह केवल सुझावात्मक रह गए, अधिकार सजा देने वाले हो गए। यदि किसी के अधिकारों का खंडन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन वो यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो सरकार उसको पूछ नहीं सकती कि तूने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया, जो संविधान तुम्हारे ऊपर कर्तव्य डालता है। ये बड़ी विचित्र एक मानसिक दुविधा से इस राष्ट्र का स्वतंत्र होने के बाद निर्माण हुआ, जिसकी परिणति 67 वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि हम में से कोई भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझता। यह एक बहुत बड़ी
भ्रम की भ्रामक कल्पना है कि अधिकार हमें स्वातंत्र देते हैं। व्यक्ति का स्वातंत्र व्यक्ति के अधिकारों से नहीं मिलता, व्यक्ति का स्वातंत्र कर्तव्य पालन से मिलता है। कर्तव्य पालन आपको मुक्त करता है। कर्तव्य का पालन करोगे तो बंधनों से मुक्त होगे, यह भगवद गीता का संदेश है, यह गीता बताती है। और जब से हमने कर्तव्य पालन को अधिकारों से कम महत्व देना शुरू किया, तब से हम बंधन में बनते गए। इसलिए राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद भी 67 वर्षों के बाद भी यह देश अपने आप को मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से स्वतंत्र अनुभव नहीं करता है। हम विदेशी विचारों के, विदेशी संकल्पनाओं के अंदर इस प्रकार से घिरे हुए हैं कि इस राष्ट्र में स्व का तंत्र आज भी नहीं आया। स्वतंत्र शब्द में दो शब्द है, स्व और तंत्र। हमारा अपना तंत्र हम नहीं दे पाए, इसलिए भारत है लेकिन भारतीयता नहीं। क्यों? क्योंकि कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं रह गया। इस देश में संस्कृत शब्द जो अधिकार शब्द है, उस अधिकार शब्द अंग्रेजी के राइट शब्द का सही अनुवाद नहीं है। वास्तविकता में अंग्रेजी के राइट शब्द का सही अनुवाद भारत की किसी भाषा में हो ही नहीं सकता। ह्यूमन राइट्स या किसी व्यक्ति के राइट्स, इसको जो हम कहते हैं, इसलिए कई बार मुझे लगता है कि जब अधिकार शब्द का प्रयोग करना है तो उस शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। हिंदी में बोलो, चाहे मराठी में बोलो, चाहे किसी भारतीय भाषा में बोलो, राइट शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज की जब बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, उसमें जिस राइट की बात कर रहे हैं, यानी मुझे मिलना चाहिए, इस अर्थ में अधिकार शब्द संस्कृत में प्रयोग नहीं होता। संस्कृत में अधिकार शब्द का अर्थ होता है क्वालिफिकेशन। यह व्यक्ति वेद अध्ययन का अधिकारी है, यह व्यक्ति प्राचार्य के पद पर बैठने का अधिकारी है, इसने यह अधिकार प्राप्त किया है कि वह इस काम को कर सके। अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता है ही इज क्वालिफाइड। उसने अपने कर्तव्यों का इतने अच्छे ढंग से अनुपालन किया कि अब उसमें यह योग्यता हो गई कि वह उस बात का अधिकारी हो गया। इस अर्थ में ही अधिकारी शब्द का प्रयोग संस्कृत में और भारतीय भाषा में होता है। तो यहाँ अधिकार का अर्थ भी कर्तव्य से जुड़ जाता है। जब हम भारत में अधिकार की बात करते हैं तो राइट शब्द ये नहीं है। राइट शब्द मांगने वाला है। आप सरकार से मांगते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरा राइट है, आप मुझे दीजिए। अधिकार ये नहीं कहता है। अधिकार ये कहता है कि मैंने अपने कर्तव्य का ढंग से पालन किया, इसलिए अब मैं योग्य हो गया हूं और इसलिए अब मैं इस बात का अधिकारी हो गया हूं। इसलिए अधिकार भी कर्तव्य के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है, ये भारत की संकल्पना है। इसलिए कर्तव्य का बोध मनुष्य के जीवन को दिशा देने वाला, अर्थ देने वाला, सार्थकता देने वाला बोध है। जब तक कर्तव्य का बोध नहीं हुआ, तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बना, सयाना नहीं हुआ, समझ नहीं आई। समझदारी विकसित करने का अर्थ है क्या करणीय है। कर्तव्य इस शब्द को यदि तोड़ करके देखते हैं तो संस्कृत में उसका अर्थ होता है करने योग्य। मेरे लिए क्या करने योग्य है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है। यह कर्तव्य की बात जब समझ में आ जाती है तब मनुष्य मनुष्य के रूप में बन जाता है। जब तक ये पता नहीं है तब तक तो वो पशु है, तब तक तो केवल वासनाओं से उसका जीवन चल रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम, ये चारों बातें मनुष्य में और पशु में समान है। आहार, भूख लगती है इसलिए पेट भरना है, निद्रा थकान आती है तो सोना है। हम में से बहुत कम थकान के कारण सोते हैं, अधिकतर आलस के कारण सोते हैं, वो अलग बात। लेकिन थकान के कारण सोना, ये स्वाभाविक शरीर धर्म हुआ। आहार निद्रा भय, कष्ट से भय, मृत्यु से भय, असुविधा से भय, सुविधा से असुविधा में नहीं जाना चाहता, इस भय के कारण मनुष्य समझौते करता है, मृत्यु के भय के कारण समझौते करता है, इसलिए भय। और चौथा मैथुन, अपने जैसे दूसरे को जन्म देने की आकांक्षा। ये चारों बातें पशुओं में और मनुष्य में समान है। फिर मनुष्य को विशेष क्या बनाता है, तो महाभारतकार कहता है, जिसमें ये सुभाषित आता है, वह महाभारतकार व्यास महर्षि कह रहे, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म, धर्म ही मनुष्य की अधिक विशेषता। और धर्म क्या है, तो जो करणीय है वो धर्म है। पिता का पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है वह पिता का धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति जो करणीय है, कर्तव्य है, वो पुत्र धर्म है। पड़ोसी के प्रति मेरा व्यवहार क्या हो, ये मेरा धर्म है, पड़ोसी का धर्म है।
राजा का प्रजा के प्रति क्या व्यवहार हो, क्या कर्तव्य है। धर्म अर्थात कर्तव्य, धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ यह है। इसमें धर्म का बोध तब होता है जब कर्तव्य का बोध होता है। इसमें कर्तव्य यानी करणीय, और जो करणीय है वो अपने आप में हो नहीं सकता, किसी और के प्रति होगा। बहुत सरल सी बात है, किसी के भी जीवन का लक्ष्य, किसी भी की जीवन का उद्देश्य स्वतः के लिए नहीं हो सकता, स्वार्थी होना संभव नहीं है। यू कैन नॉट एग्जिस्ट बीइंग सेल्फिश। आप स्वार्थी बनकर के जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम त्याग है, त्याग से ही सृजन होता है, त्याग से ही सृष्टि चलती है। दुनिया में निर्जीव से निर्जीव वस्तु भी खुद के लिए काम नहीं कर सकती। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, ये माइक है, इस माइक की जिस किसी ने भी खोज की और निर्मित की तो इस माइक के अस्तित्व का कारण है, उद्देश्य है, मकसद है, पर्पस है। किसी पर्पस से ये माइक बना। क्या पर्पस है? ध्वनि क्षेपण, आवाज को बड़ा करके लोगों तक पहुंचाना। लाउड स्पीकर इसलिए कहते हैं, इसलिए वो लाउड करता है जो बोलता है। लेकिन ये माइक किसकी आवाज लाउड करता है, किसकी ध्वनि को क्षेपण करता है? वक्ता की, खुद की तो नहीं। माइक खुद की आवाज, माइक की कोई आवाज नहीं है, ये ध्वनि क्षेपक है जिसकी खुद की ध्वनि नहीं है। ये लाउड स्पीकर है विच डज नॉट स्पीक, स्पीकर की आवाज को लाउड करता है। यानी इस माइक का कर्तव्य, इस माइक का जीवन ध्येय दूसरे की आवाज को बढ़ाना है। अब आराम से कुर्सी पर बैठे, कुर्सी का कर्तव्य है, कुर्सी का जीवन ध्येय है, कुर्सी के जीवन का उद्देश्य है आराम देना। किसको? खुद को नहीं, उस पर बैठने वाले को। निर्जीव कुर्सी भी खुद को आराम नहीं देती, निर्जीव माइक भी खुद की आवाज नहीं बढ़ाता, तो सजीव मनुष्य खुद के लिए कैसे जी सकता है? इसलिए कर्तव्य हमेशा दूसरे के लिए होगा। इसलिए जिस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से हम इस कर्तव्य बोध पखवाड़े को प्रारंभ करते हैं, वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, केवल वही जीवित है जो दूसरों के लिए जीते हैं। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। जो दूसरों के लिए जीते वही जीवित है, अन्यथा तो मृत प्राय लाश है, चलती फिरती हंसती गाती खेलती बोलती लाश है। हम जीवंत तभी है हम जब दूसरों के लिए कुछ करते। ये कर्तव्य का बोध स्वामी विवेकानंद के जीवन का आधार है, और यही काम सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी मृत प्राय से लोगों के जीवन में जीवन फूंकने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना किसके अंदर से तैयार हुई थी? उन लोगों में से तैयार हुई थी जिन लोगों को और अंग्रेजों के विरोधियों ने जेल में युद्ध बंदी के रूप में बंद कर दिया था। उन भारतीय सैनिकों को जो ब्रिटिश सेना में लड़ते समय जापान से और जर्मनी से हार गए और वहां के जेलों में बंद थे, उन कैदियों के बीच में प्राण फूंक करके देशभक्ति की लौ जगा करके, कर्तव्य का बोध जगा करके, और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना जागृत की। आजाद हिंद सेना खड़ी हुई थी युद्ध बंदियों में से, हारे हुए जेल में बंद कैदियों में से सेना खड़ी करने का, मुर्दों में प्राण फूंकने का काम सुभाष चंद्र बोस कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी कर्तव्य बोध है। 13 साल का बालक हॉस्टल में से, छात्रावास में से अपने मां को पत्र लिखता है। पिता ने बड़े आशा से भेजा अंग्रेजों द्वारा चलाई जाने वाली बोर्डिंग स्कूल में कि सुभाष वहां रहेगा, बड़ा होकर के इंडियन सिविल सर्विसेज का, आजकल जिसको हम IAS कहते हैं, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनेगा। और उसके प्रशिक्षण देने के लिए भेजा सुभाष को, और वो 13 साल का सुभाष मां को पत्र लिखता है। कालजी सुभाष सुंदर पुस्तक है, श्री कृष्ण सरल द्वारा लिखी गई। सुभाष चंद्र बोस की प्रामाणिक जीवनी पढ़नी है तो कालजी सुभाष को पढ़ना चाहिए। सुभाष का वो पत्र दिया है उन्होंने। 13 साल का सुभाष मां को पूछता है, मां तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, अपना दूध पिलाया, मेरे जीवन का उद्देश्य का बता मां, मेरा जन्म किस लिए हुआ? 13 साल का सुभाष मां को प्रश्न पूछ रहा है, मेरा जन्म किस लिए हुआ? इतिहास को पता नहीं कि मां ने क्या उत्तर लिखा। 13 साल का बच्चा मां को लिख रहा है कि पिता कह रहे कि ICS बन जाओ और मेरे परतंत्र राष्ट्र को और परतंत्र बनाने के लिए अंग्रेजों की सेवा करो। क्या अंग्रेजों की सेवा करने के लिए मां तूने मुझे जन्म दिया? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या बता? इतिहास को पता नहीं कि मां ने उत्तर क्या दिया, लेकिन इतिहास को यह पता है कि प्रश्न ने सुभाष का जीवन बदल दिया।
एक प्रश्न ने सुभाष का जीवन बदल दिया, क्योंकि सुभाष को अपने कर्तव्य का बोध हो गया, मेरा जीवन कैसे लिए है, मेरे लिए करणीय क्या है, क्या मेरा कर्तव्य है, इसका बोध होते ही सुभाष का जीवन परिवर्तित हो गया और उस दिन सुभाष महापुरुष बनने की प्रक्रिया में ढल गए। सुभाष चंद्र बोस का सारा जीवन कर्तव्य बोध का जीवन है, इतना अद्भुत जीवन है। इसका कर्तव्य का बोध एक दुधारी तलवार के समान होता है, दोनों तरफ से जिसकी धार हो। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है, जिस संवाद का अंत यमराज इस बात से करते हैं जो स्वामी विवेकानंद को प्रिय मंत्र था कठोपनिषद का, वह मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो श्रेष्ठ जनों के पास बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद ने उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन करके कहा ध्येय प्राप्ति तक रुको नहीं, लेकिन उसके आगे की जो पंक्ति है, इस मंत्र का जो अंतिम वाक्य है जो और अधिक महत्वपूर्ण है, वह वाक्य शूरस्य धारा निषधा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। यह कर्तव्य बोध का पथ कैसा है, उठो जागो अपने कर्तव्य को पहचानो नचिकेता और उस कर्तव्य पथ पर चल पड़ो। लेकिन जानकार लोगों ने, कवियों ने, उपनिषदों में कवि शब्द ज्ञानियों के लिए आता है, जिसको ईश्वर दर्शन हुए उसको कवि कहते हैं, बाकी जो तुकबंदी करता है उसको कवि नहीं कहता उपनिषद। इसलिए कवियों ने कहा, मतलब ज्ञानियों ने कहा, ईश्वर दृष्टा ऋषियों ने कहा, क्या कहा कि ये दुर्गम पथ है। कैसा दुर्गम पथ है, शूरस्य धारा निषिदा दुरत्या। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्रभक्ति का व्रत लेकर के, इस कर्तव्य को लेकर के जो काम करता है उसका काम तलवार के पात पर चलने के समान है, ऐसा यह दुर्गम पथ है। शूरस्य धारा, तलवार की धार के समान दुर्गम पथ है। उस कर्तव्य पथ पर चलना है, उस पथ पर चलने के लिए जन्म हुआ है, इसलिए उसको पहचानने से जीवन प्रारंभ होता है। उस कर्तव्य का जब बोध जाग जाता है तब जीवन बदल जाता है। 3-4 साल का बच्चा कालड़ी के ग्राम में नदी के किनारे छोटी सी कुटिया में सुबह की भोर में, ठंड की ठिठुरती भोर में सोया हुआ है और माँ आवाज देती है, जागृत शंकरा जागृत, शंकर जाग जा जागृत। शंकर माँ को कहता है कि हाँ माँ जग गया हूं, अभी उठता हूं। माँ फिर पानी भरने जाते समय फिर दूसरी बार आवाज देती है, जागृत शंकरा जागृत। शंकर फिर कहता है, माँ मैं जग गया हूं ना, अभी तो बताया आपको मैं जग गया हूं। माँ तीसरी बार आवाज देती है, जागृत शंकरा जागृत। अब शंकर जवाब नहीं देता, अपने मन में पूछता है, मैं जग रहा हूं, माँ से बात कर रहा हूं, प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, फिर भी माँ जागने के लिए कह रही है तो इस नींद से जागने के लिए तो कह नहीं रही, फिर किस नींद से जागने के लिए कह रही है। शंकर अपने आप से प्रश्न पूछता है, क्या करने के लिए तूने जन्म लिया है, कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी को मे तात, कहां से आया हूं, किस काम को करने के लिए मैंने जन्म लिया है, क्या मेरा कर्तव्य है। और 4 साल का शंकर जग जाता है और आज हम उसको आदि शंकराचार्य के रूप में जानते हैं। जिसके जीवन में कर्तव्य बोध जागा उसी को हम जानते हैं, अन्यथा तो अपने परदादा के भी नाम नहीं पता। दादा तक तो पता होंगे, परदादा के नाम नहीं पता, और परदादा के पता भी हो तो खापड़ दादा के तो पक्के नहीं पता होंगे। और खापड़ दादा स्वामी विवेकानंद के बाद पैदा हुए थे, गांधी जी के बाद पैदा हुए थे, लेकिन उनके नाम नहीं पता। गांधी जी के पता है, विवेकानंद के पता है, मैं राणा प्रताप शिवाजी तक तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि तब तो हमारी 16वीं 17वीं पीढ़ी होगी, जिसके नाम नहीं पता। जिनका रगों में खून बह रहा है उन अपने रिश्तेदारों को नहीं जानते, लेकिन शिवाजी को जानते, राणा प्रताप को जानते, सुभाष को जानते, विवेकानंद को जानते, क्या फर्क है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कर्तव्य निभाया, कर्तव्य का बोध हुआ। भगवद गीता का संदेश ही यहां से प्रारंभ होता है। अर्जुन और कृष्ण का वह संवाद है, वह संवाद कर्तव्य पथ से च्युत हुए अर्जुन की गुहार है, अपने मित्र को, अपने सखा को की हुई गुहार है। कृष्ण उसका मित्र है, सखा है, बंधु है। जब वो विश्वरूप के दर्शन हो जाते हैं उसके बाद में वो हाथ जोड़ करके डर डर करके और कृष्ण को कहता है कि तू अब मुझे अपना सावला सलोना रूप दिखा दे, मैं तो बहुत डर गया हूं। और जब दिखा देता है तब कहता है, अरे बाप रे, तू इतना महान है, हे प्रभु ऐसा दर्शन दे दिया, मैंने तो न जाने सखे थी माधवे थी, ऐसा बोल करके न जाने तेरे साथ शय्यासन भोजन, तुम्हारे साथ सोया खेला खाना खाया, कितना तुम्हारा अपमान किया। तुम प्रभु हो, ईश्वर हो, मुझे पता ही नहीं था।
ऐसा संबंध वाला अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, मेरा कर्तव्य क्या है, यही प्रश्न है। भगवद गीता कर्तव्य के बोध का आख्यान है। अर्जुन को पता नहीं उसका कर्तव्य क्या है, वो माया मोह में फंसा हुआ है, अपने अपनी माया में फंसा हुआ है। उसको सामने शाला संबंधिनस्तता पितरा पोत्रा, अपने पितामह चाचा मामा ताऊ सारे उसको दिख रहे हैं और उनको देख करके वो विचलित है, इनको मैं कैसे मारूं। वो कहता है कौरवों को तो पता नहीं पर हम तो जानते हैं, उनको अपना कर्तव्य नहीं पता, हमको तो पता है। इसलिए अहो बतमहत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम, पहले अध्याय में वो कह रहा है कितना बड़ा पाप करने में जा रहा हूं, बच गया मैं, अब मैं इस रणभूमि से पलायन करता हूं। और कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण ने अक्षरशा ये शब्द प्रयोग किया है। कृष्ण ने दूसरे अध्याय में पहली बार कृष्ण बोले है दूसरे अध्याय में, और जब पहली बार कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बोला तो पहला श्लोक ऐसा बोला कि ये तुझे शोभा नहीं देता, कुतस्त्वा कश्मलम इदम, ये गंदगी कश्मल कचरा कहां से तुम्हारे दिमाग में आ गया, कुत कहां से आया, विषमे इस रणभूमि में ऐसी उल्टी बात। और अगले वाक्य में वो कहते क्लेब्य मास्मगम, तू क्लिबता को नपुंसकता को मत प्राप्त कर, अपौरुषीय काम मत कर, अपने पौरुष को पहचान। और फिर वो शब्द आता है जिस शब्द ने भगवद गीता का मर्म बताया, भगवान श्री कृष्ण कहते नई तत्व युपपत्यते, यह तेरी उपपत्ति नहीं है, यह तेरा कर्तव्य नहीं है, तू जिस स्थान पर है उस स्थान के कारण तेरी उपपत्ति तय होती है। उपपत्ति का मतलब है किस स्थान पर आप बैठे हो, उप का मतलब होता है बैठना, इसलिए उपविश, उपनिषद भी वही अर्थ है, गुरु के पास बैठना, उप का अर्थ होता है बैठना, उपपत्ति का अर्थ है किस स्थान पर बैठने की तुम्हारी योग्यता है। इसलिए हमारा कर्तव्य हमारी उपपत्ति तय करती है। यदि हम इस आसन पर बैठे हैं तो यह हमारी उपपत्ति है, हमारा कर्तव्य हम कौन है इस पर निर्भर नहीं करेगा, हमारा अधिकार हमारी योग्यता पर निर्भर करता है, हमारा कर्तव्य हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं करता, हमारा कर्तव्य हमारी उपपत्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि कर्तव्य स्वतः में नहीं होता, कर्तव्य दूसरे के प्रति होता है, कर्तव्य एक भूमिका होती है जो हमको सबके साथ मिलकर के निभानी होती है। इसलिए सबके कर्तव्यों को मिला करके संबंध बनते हैं, समाज बनता है, और इसलिए कर्तव्य केवल आपको मुक्ति नहीं देता है, कर्तव्य आपको मर्यादा भी देता है। आपकी उपपत्ति आपकी मर्यादा है, उस मर्यादा में व्यवहार करना भी कर्तव्य है, उस मर्यादा को नहीं तोड़ सकते। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य का बोध है जो हमको करना है। इसलिए संगठन का शास्त्र उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन बड़ा सरल है, भगवद गीता वगैरह सुनानी नहीं पड़ती यदि उस समय संगठन का शास्त्र होता तो। संगठन का ऐसा अद्भुत शास्त्र जो डॉक्टर हेडगेवार ने गढ़ा और जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना अद्भुत संगठन खड़ा किया, उस संगठन शास्त्र को पहचानते तो ये कर्तव्य का बोध का मतलब है, जो मेरा दायित्व है उस दायित्व का बोध कर्तव्य का बोध है। जिस दिन हमको दायित्व का बोध हो जाता है उस दिन अपने आप में भगवद गीता आचरण में आ जाती है, और कुछ नहीं करना पड़ता, गीता का पठन भी नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, आप अपने दायित्व को शोभा देने वाला वर्तन करें, इतनी सी बात है। जो आपका दायित्व है उस दायित्व का वहन करे वो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य आपकी मर्यादा का निर्धारण करता है। चर्चिल ने शब्द प्रयोग किया था अधिकारों की मर्यादा को लेकर के, चर्चिल कहता है कि आपको छड़ी घुमाने का अधिकार है, यू आर फ्री, व्यक्ति स्वातंत्र की बात करते समय चर्चिल कहता है यू आर फ्री टू मूव यूर स्टिक, तुम तुम्हारी लाठी को घुमा सकते हो, यू आर फ्री, डेमोक्रेसी है कोई भी कहीं भी लाठी घुमा सकता है, तुम तुम्हारी लाठी घुमाने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन चर्चिल का अगला वाक्य, लेकिन तुम्हारा स्वातंत्र वहां खत्म होता है जहां मेरी नाक शुरू होती है, योर लिबर्टी एंड्स, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। तुम लाठी घुमा सकते हो लेकिन मेरी नाक नहीं तोड़ सकते, मेरी नाक जहां शुरू होती है वहां तुम्हारी लाठी घुमाने की स्वतंत्रता खत्म। कर्तव्य मर्यादा देता है। रामकृष्ण परमहंस इसको अत्यंत सुंदर कथा के रूप में बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद और उनके सारे 16 शिष्यों से बात करते समय कहते हैं कि आजकल बड़े व्यक्ति स्वातंत्र की बात होती है लेकिन ये व्यक्ति स्वातंत्र है क्या, तो वो उदाहरण देते हैं, कर्तव्य बोध का उदाहरण देते हैं, कर्तव्य पालन के लिए उदाहरण देते हैं।
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गोपाल वन में गाय चराने को ले जाता है, सारी गायों की तरफ ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए और उसको वेणु भी बजानी है, इसलिए वेणु बजाने में समय निकालना है, इसलिए वो गायों को एक रस्सी से बांध देता है, पेड़ से एक गाय बांध देता है और गायों को बांध करके मस्ती से बैठ करके वेणु बजाता है। अब गाय कहीं नहीं जाएगी, अब बंधी हुई गाय, रस्सी से बंधी हुई गाय दायित्व है। महानगर के सचिव है हमारे निखिल दामले जी, भारतीय शिक्षण मंडल के, उनकी रस्सी महानगर तक है, मारुति पवार जी की विदर्भ तक है और अरविंद जी की पूरे भारत में है। तो रस्सी की लंबाई अलग अलग है। व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आपके दायित्व से, परिवार में आपका दायित्व, समाज में आपका दायित्व, उस दायित्व की रस्सी से गोपाल ने आपको पेड़ से बांध दिया। अब एक गाय ये सोच करके रोती बैठती है कि देखो कितनी चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और मुझे तो इस रस्सी से बांध दिया गोपाल ने, मैं केवल इस रस्सी की दूरी तक ही जा सकता हूं, ये बंधन है। उसको बंधन मान करके वो बैठ जाती है, चरती नहीं है, क्योंकि दूर की घास उसको बड़ी अच्छी लगती है। और दूसरी गाय सोचती है, कोई बात नहीं, दूर भी अच्छी घास होगी, लेकिन इस रस्सी को जो बांध रखा है, इस रस्सी की त्रिज्या जितने मंडल में, वृत्त में चरने के लिए मैं मुक्त हूं। एक गाय सोचती है, दूर ना जा सकूं इसमें मैं बंदी हूं। दूसरी गाय सोचती है, इस रस्सी की त्रिज्या जितने वृत्त में, सर्कल में तो मैं चर सकती हूं, वो पूरी घास चर जाती है, उस वृत्त में दीवी घास चर जाती है, अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर देती है। और गाय चरने के बाद में वो घास जैसे खत्म होती है, जोर से हम्मा करती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वेणु बजाता गोपाल देखता है किसने हम्मा किया, देखता है उसकी घास पूरी चर गई, आकर के उसकी रस्सी की लंबाई बढ़ा देता है, अब वो बड़े क्षेत्र में चर सकती है, अब उसका कर्तव्य बढ़ जाता है। कर्तव्य पालन से अधिक कर्तव्य प्राप्त होते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, रिवार्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क। अच्छा काम करोगे तो उसके पुरस्कार में आपको और अधिक काम मिलेगा। कर्तव्य का पालन अधिकार इस प्रकार से देता है, अधिकार बढ़ता है। हमारे जैसे संगठनों में किसी को पद मिलता है तो वो कहता है, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, तो लोगों का आश्चर्य होता है, बाकी जगह तो पदों के लिए होड़ लगती है, हमारे यहाँ पद को नहीं क्यों बोलते हैं। किसी ने मेरे को पूछा, ये पद के लिए इतना क्यों करना पड़ता है। हमारे संगठन में तो अभी अपने रवि जी भूसारी इधर से उधर गए ना, तो उधर जाने के बाद उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो मजा है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है, आपको कार्यकर्ता खोजने पड़ते हैं, हमको भीड़ में से खोजने पड़ते हैं, बात एक ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है हमारे संगठन में। यहाँ पद देने जाओ तो वो कहते, नहीं मुझे नहीं चाहिए पद। लोगों ने पूछा, आपके संगठन में पद लेने से भागते क्यों है। मैंने कहा, यहाँ पद के साथ पदाई जुड़ी हुई है, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी पदाई, तो इसलिए पद तो कर्तव्य बढ़ाएगा, काम बढ़ाएगा, कर्तव्य का बोध संगठन का दायित्व देता है, लेकिन वो मर्यादा भी देता है, संगठन का दायित्व मर्यादा भी देता है। एक बार परम पूजनीय मोहन जी से बात चल रही थी सरसंघ चालक जी के साथ में, जिस समय मेरा दायित्व परिवर्तन हो रहा था और विवेकानंद केंद्र में 22 वर्ष काम करने के बाद और मैं संघ के प्रचारक के रूप में 2.5 साल पहले जब मैं आया और बाद में शिक्षण मंडल का दायित्व तो बाद में मिला, उससे पहले जब चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के दौरान बीच में 2.5 महीने का समय मुक्त था, दायित्व तय नहीं था, केंद्र से मुक्त हो गया था, इधर का दायित्व तय नहीं था। मैंने कहा 2.5 महीने क्या करूं, तो बोले 22 वर्ष माता पिता से दूर रहो, 22 कुछ दिन माता पिता के साथ रहो, शाखा में जाओ और अपना काम करो। मैंने कहा, इतने सालों से खाली रहने की आदत ही नहीं रही, अब खाली कैसे रहूं। तो उन्होंने कहा, यह भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। और तब बताते समय उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही खुद के अनुभव से। उन्होंने कहा, जब सबसे पहली बार क्षेत्र प्रचारक का दायित्व मिला, तब मेरे को जब पटना भेजा गया क्षेत्र प्रचारक बना करके, तब मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि समय का कैसे व्यय करूं, क्योंकि प्रांत प्रचारक के रूप में अत्यधिक दायित्व, क्योंकि सबसे एक्टिव पोस्ट प्रांत प्रचारक की होती है, उसको सारे काम देखने होते, इसलिए सोने को भी समय नहीं मिलता था। और क्षेत्र प्रचारक के रूप में अपने को जो काम नहीं करना है, इस कर्तव्य का बहुत ज्यादा जरूरी था। अब प्रांत प्रचारक के काम में मुझे टांग नहीं अड़ानी है और उसके लिए मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा, तो तब मैंने अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभव
व्यक्तिगत रूप से शेयर करते हुए बताया। इसलिए बोले ऐसा समय अपने अध्ययन के लिए होता है, उस समय अध्ययन करो, लेकिन याद रखो कर्तव्य का अर्थ यह भी होता है कि दूसरे को उसका कर्तव्य करने का अवसर प्रदान करना। संगठन में कर्तव्य बोध के इस अर्थ को भी समझना बहुत आवश्यक है। हम यदि दूसरे का काम करते रहेंगे तो हम दो गड़बड़ियां कर रहे हैं, एक तो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, क्योंकि यदि राष्ट्रीय स्तर का दायित्व होते हुए भी मैं महानगर के काम करता रहूं तो मैं अपने दायित्व में भी गड़बड़ कर रहा हूं, और उसके साथ साथ जिस पे महानगर का दायित्व है उसके कर्तव्य में भी गड़बड़ कर रहा हूं। जब सामूहिक सूर्य नमस्कार का भव्य कार्यक्रम का आयोजन ग्वालियर में हुआ जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हुआ, तो महीने भर तैयारी कर रही थी, सारे कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जा रहे थे और दायित्वों की तैयारी बड़ी बड़ी लंबी तैयारी चली। मुझे याद है उसकी एक बैठक के अंदर और एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे और उन वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को पूछा कि कार्यक्रम भव्यता से के साथ साथ दिव्यता से हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। भव्य तो संख्या से हो जाएगा, 16,000 से ज्यादा बच्चे एक समय में एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे तो भव्यता तो आ ही जाएगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे थे, प्रशिक्षण चल रहा था, इतने 170 विद्यालयों में प्रशिक्षण हुआ 2004 में, फिर 2005 में 30,000 बच्चों ने किया, तो भव्यता तो संख्या से आ जाएगी लेकिन दिव्यता किससे आएगी, यह प्रश्न उन अधिकारियों ने पूछा। केंद्र के बड़े अधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने तरफ से उत्तर दे रहे थे, उन्होंने कहा नहीं दिव्यता, उन्होंने सारे उत्तर सोचने के बाद कहा दिव्यता आती है जब कार्यक्रम परफेक्शन के साथ सर्वोत्कृष्टता के साथ होता है, प्रत्येक काम व्यवस्थित होता है, हड़बड़ाहट नहीं होती, लास्ट मिनट पे दौड़ना नहीं पड़ता, तब कार्यक्रम में भव्यता के साथ दिव्यता आती है। फिर हम लोगों ने पूछा तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मोर्चे पर डटे रहना। उन्होंने बाजी प्रभु देशपांडे की कहानी बताई, हम सबको पता है पावन खिंड का बाजी प्रभु देशपांडे, महाराष्ट्र में ये कथा बताने की जरूरत नहीं, ग्वालियर में बैठे थे इसलिए उन्होंने पूरी कथा बताई। लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे तोप की आवाज होने तक अपने मोर्चे पर डटे रहे, उस समय उनका दूसरा स्थान नहीं बताया कि वहां पर गड़बड़ हो रही है वहां मत जाओ, उन्होंने कहा अपने मोर्चे पर डटे रहना यह महत्वपूर्ण है। तो फिर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो इसका अर्थ निकालते समय कार्यकर्ताओं का आपस में स्वाध्याय चल रहा था। एक नौवीं में पढ़ने वाले कार्यकर्ता ने इस बात का इतना सुंदर अर्थ बताया, वो कहता है इसका अर्थ यह है जो उसको जो काम दिया है वो वही करेगा, वो गलती भी कर रहा, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य में गलती भी कर रहा हो तो भी मुझे अपना मोर्चा नहीं छोड़ना। वो नौवीं का बच्चा कहता है, छोटा सा बच्चा, और उसने उस दिन मुझे, मेरे लिए वो कृष्ण बन गया, उस दिन उसने मुझे भगवद गीता का संदेश दिया, वो कहता है उसके काम में उसको गलती कर दो, करने दो, उसका काम तुम जाकर के ठीक करोगे तो तुम अपने काम में गलती करोगे क्योंकि तुमने मोर्चा छोड़ दिया। इसलिए कर्तव्य बोध मुक्ति देता है वैसे ही मर्यादा भी देता है। कर्तव्य बोध की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, मर्यादा का पालन करना। इसलिए लक्ष्मण रेखा बहुत प्रसिद्ध है लेकिन सीता मैया के लिए रेखा को बनाने वाला लक्ष्मण खुद मोर्चे से हट गया, इसलिए सीता का अपहरण हुआ। जब जब लक्ष्मण मोर्चे से हटेगा तब तब सीता का अपहरण होगा। महारिश तो मायावी होकर के आवाज लगाता ही है लेकिन हम अपने मोर्चे पर कितना डटे रहते हैं इस बात पर संगठन की और राष्ट्र की सफलता निर्भर करती है। इसलिए कर्तव्य बोध यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन को दिशा देने वाला शब्द है। संगठन में बड़ा सरल है, संगठन में कर्तव्य बोध का अर्थ है अपने काम को ठीक से करना, अपने को जो दायित्व मिला है उस दायित्व को समझना और उसको ठीक से करना, पूर्णता से करना, अपनी त्रिज्या में दी हुई घास को खाली ना छोड़ना, यह भगवद गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक का अर्थ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं जब छोटा था तब मैं सोचता था कृष्ण भगवान कितने अहंकारी है, पूरे भगवद गीता में कह रहे कि अहंकार छोड़ो अहंकार छोड़ो, और कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ करके मामेकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आ जा। बाद में जब भगवद गीता को समझा तब इसका अर्थ समझ में आया, सर्व धर्मान त्यज्य नहीं कहा है, परित्यज्य कहा है, सारे धर्मों का परित्याग करो। परित्याग कब होता है,
किसी भी धर्म का यानी कर्तव्य का त्याग तभी होता है जब वो कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। सीढ़ी चढ़ गए, सीढ़ी किस लिए? छत पे चढ़ने के लिए। सीढ़ी से चढ़ करके अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम पादान पर पहुंच गए। जब तक सीढ़ी का त्याग नहीं करोगे छत पर नहीं पहुंच सकते। बेटी की शादी हो गई तो कर्तव्य पूर्ण हो गया, परित्यज्य। कर्तव्य का पूर्ण होना ही उसका परित्याग है, बीच में से कर्तव्य छोड़ना नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है सारे धर्मों का व्यवस्थित पालन करने के बाद मेरी शरण में आ जाओ, ईश्वर शरण में जाओ। कर्तव्य पालन किए बिना पलायन करके जाओगे तो ईश्वर भी नहीं मिलेगी, न माया मिली न राम, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए परित्यज्य को समझना पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, पूरी तरह से अपने कर्तव्य का पालन करना 100%। 99% में चलता नहीं, 99% में पूरा नहीं है वो। इसलिए 100% कर्तव्य पालन का बोध व्यक्ति को राह पर रखता है, और ये दूसरे के कहने से नहीं होता है, ये किसी और के बताने से होता नहीं। कर्तव्य बोध के पालन के लिए अंदर में जागृति होनी पड़ती है, इसलिए वो शंकर जाग गया। जब अंदर जग जाता है आदमी तो फिर वो चुप नहीं रहता, फिर उसको नींद नहीं आती, फिर वो काम करते रहता है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसी और देखता है इसलिए नहीं, कोई और पूछता है इसलिए नहीं, किसी को वृत्त देना है इसलिए नहीं, किसी के सामने बताना है इसलिए नहीं, अखबार में फोटो छपेगी इसलिए नहीं, वो इसलिए करता है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है, इसलिए करता है। और ये कर्तव्य का बोध जब जग जाता है तब उस आदमी का जीवन बड़ा मस्त हो जाता है, बहुत आनंद हो जाता है, उसके जीवन में दुविधा नहीं रहती, वो दुविधा में नहीं फंसता, उसके मन में ये विचार नहीं आता ये करूं कि नहीं करूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको पता है जो करनी है वो करना है, जो नहीं करनी है उसको हाथ भी नहीं लगाना, देखना भी नहीं उसकी। कर्तव्य की स्पष्टता जीवन में आनंद देती है, सारा टेंशन फ्री हो जाता है, ब्लड प्रेशर रहेगा ही नहीं जिस दिन कर्तव्य बोध हो जाएगा, डायबिटीज की तो संभावना नहीं, दूर दूर तक फटकेगा नहीं, जीवन में आनंद आ जाएगा क्योंकि कर्तव्य समझ में आ जाएगा। कब? जब हम अपने आप से 100% अपेक्षा करने लगेंगे। आज हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं 100% की और खुद को माफ करते रहते हैं, कर्तव्य का बोध नहीं होने से ये होता है। कर्तव्य का बोध जीवन को बदल देता है। इसलिए मैं विद्यापीठ शिक्षण मंच को, वाकमुड़े सर को, उनके आग्रह के कारण आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया। काफी दिन उन्होंने मुझे भी फोन किए, अपने जितेंद्र जी के भी पीछे पड़े, अन्यथा प्रवास के बीच में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनका नाम लेकर के उनको मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कर्तव्य बोध का पखवाड़ा जो मनाया है, और शिक्षकों के बीच में, अध्यापकों के बीच में ये अत्यंत आवश्यक है। इस राष्ट्र का अध्यापक यदि कर्तव्य बोध से प्रेरित हो जाएगा तो एक ज्योत से जले दूसरी। हमने एक मोमबत्ती ली और 5 ज्योतियां जलाई सब लोगों ने मिलकर के एक एक, लेकिन मोमबत्ती नहीं जली होती तो बाकी क्या जलता। अध्यापक वह दीपक को जला सकता है जो अपने छात्रों के हृदय में है, लेकिन कब जला सकता है? जब वो अपने आप से 100% अपेक्षा करने वाला अध्यापक हो जाएगा, दूसरे से अपेक्षा करने वाला नहीं। हम स्वयं को देखना शुरू कर दे तो अपना कर्तव्य, मेरी उपपत्ति क्या है, अपने आप से प्रश्न पूछे क्या ये मुझे शोभा देता है क्या। बहुत सरल सी बात है, रात के समय सड़क चलते हुए चौराहे पर लाल बत्ती बंद चल रही है और कोई गाड़ी नहीं चारों तरफ दिखने वाली, और आप अपनी गाड़ी लेकर के लाल बत्ती पर खड़े रहते हो, तब आपके मन में प्रश्न उठता है कोई तो है नहीं, लाल बत्ती छोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ता है। उस समय अंदर से वही आवाज आती है, क्या ये मुझे शोभा देता है क्या। अरविंद जी के साथ हम जा रहे थे, लाल बत्ती पर खड़े हुए, माँ भी साथ में बैठी थी अरविंद जी की, केवल मुंह से प्रश्न निकला कि ये इतने सारे कोई तो नहीं आ रहा, चले जाएगा। माँ ने केवल एक ही वाक्य का, याद रख कि तू शिक्षक है। कर्तव्य बोध एक वाक्य छोटा सा, याद रख कि तू शिक्षक है। यदि सदा सर्वदा याद रहेगा कि मैं शिक्षक हूं, अपने कर्तव्य का बोध रहेगा, तो गलत रास्ते पर जाने का, पग पड़ने का डर ही नहीं होगा, भय ही नहीं होगा। कितनी बड़ी मुक्ति है, कितना बड़ा टेंशन फ्री है, दुनिया में कोई आपको छू नहीं सकता। यदि कर्तव्य का बोध, मैं कौन हूं इसका बोध रहे तो,
मैं कौन हूं का बोध रहता है तो कर्तव्य का बोध रहता है, कर्तव्य का बोध रहता है तो जीवन में आनंद ही आनंद आता है। जीवन के आनंद की कुंजी कर्तव्य बोध है, और उसको करने का बहुत सरल सा तरीका है, अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन, परिवार में अपना दायित्व, समाज में अपना दायित्व, और इस सबसे महत्वपूर्ण इन सबकी प्रैक्टिस करने के लिए संगठन में अपना दायित्व। संगठन में अपने दायित्व का यदि हम सही ढंग से निर्वाह करते हैं तो हमारे सारे दायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से होने लगता है। ऐसे कर्तव्यवान कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता हम बने और अपने जीवन में कर्तव्य बोध का आनंद और उसकी सुरभि फैले, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।